बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 ऑफ कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री पे है। इसमें बेसिकली एक्सरसाइज जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल को डील करती है। डेफिनेट इंटीग्रल मीन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं इसमें, और जैसे कि और डेफिनेट मीन्स इसकी लिमिट होगी, इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दी जाए तो फिर वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। ये एक सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और लिमिट के साथ है, और इसमें अगर हम सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट करें तो हमें सिंपल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आता है। ये दो या तीन स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा, डिपेंड अपॉन द फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सिंपल जो इंटीग्रेशन का मेथड, हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का तरीका दिया जाता है और जिसमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, हमने उस तरीके से इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इसको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। अब यहाँ पे बेसिकली हमने अप्लाई करना है, इसकी लिमिट को इवैल्यूएट करना है, और लिमिट के लिए हमने रीमन सम का तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसको देखना है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, और इस लिमिट के दरमियान ए से बी एक्स की, ये ए से बी इट मीन्स ये एक्स की वैल्यूज, क्योंकि इस वक्त फंक्शन आपका एक्स में है, इंटीग्रेट आपने एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करना है, तो जो लिमिट आपको दी जा रही है वो भी एक्स की दी जा रही है, एक्स की वेरिएशन ए से बी पे है। यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन में ये फॉर एग्जांपल यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए से बी के दरमियान जो भी आपका कर्व प्लॉट होता है आपने उसके दरमियान, बिकॉज इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब फॉर एग्जांपल आपका कर्व जो है वो ऐसे ही ऐसे स्केच हुआ है, तो यहाँ अगर आपके पास ए आता है और यहाँ आपके पास बी लिमिट है एक्स की, तो इस इतने पोर्शन में आपका जो भी कर्व स्केच हुआ है उसके अंडर जितना एरिया कवर है दैट इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व अंडर द लिमिट ए टू बी। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन इस एरिया का जितना भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा इस हिस्से का, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली एरिया अंडर द कर्व होती है, ठीक है। अब अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, यहाँ पे लिमिट ना हो, तो फिर ये कर्व जितना भी होगा, अगर अनलिमिटेड कर्व है आपका, इन्फिनेटली इंक्रीज और इंक्रीज कर रहा है, मतलब इन्फिनेटली ड्रॉ हुआ है, तो फिर आप पूरे कर्व के नीचे अंडर जितना भी एरिया रहा है वो सारा का सारा आप कैलकुलेट करेंगे और वो इंटीग्रेशन का आंसर होगा। लेकिन अगर लिमिट लगा दी जाती है, अपर एंड लोअर लिमिट, तो वो आपको पूरे कर्व में से कुछ हिस्सा बाउंड, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर्व आपका इतना बड़ा है तो आपको इतना हिस्सा बाउंड कर दिया जाता है, वेयर एक्स की वैल्यू ए से बी है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक स्पेसिफिक छोटे से हिस्से में आपको कहा जाता है कि आप इतने हिस्से का एरिया फाइंड करें, पूरे कर्व के अंडर एरिया ना फाइंड करें। तो ये तो होगी बेसिक जो आपकी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है। एक्चुअली में हमने यहाँ पे रीमन सम अप्लाई करना है और लिमिट के ऊपर, और रीमन सम अप्लाई करने के बाद हमने वो तरीका अप्लाई करना है, मतलब सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को, अगर आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही आसान है इसको करना। चंद कुछ स्टेप्स में डिपेंड अपॉन द एफ ओ एक्स फंक्शन आपका किस तरह से है उसके मुताबिक ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और एंड में जाके आप लिमिट लगाते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से इसे सॉल्व नहीं करना। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको जो लिमिट दी जा रही है एक्स की लिमिट है, x की वेरिएशन बेसिकली a से b तक है, ठीक है, a भी इसमें इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। आपने इस लिमिट की पार्टिशनिंग करनी है, जैसे कि x एक्सिस के ऊपर अगर आपकी ये a x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ a है और यहाँ x की वैल्यू b है, तो आपने इस पूरी डिस्टेंस के a से b तक के डिस्टेंस के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आपने इसके छोटे छोटे सी पार्टिशनिंग करनी है, और पार्टिशनिंग जब आप करते हैं किसी भी डिस्टेंस की तो आपने इक्वल इंटरवल से पार्टिशनिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंटरवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उस इंटरवल को कहते हैं कि डेल्टा एक्स, आप एक छोटा सा डिस्टेंस मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल इतना डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक, इतना डिस्टेंस जो है ये आपका डेल्टा एक्स है, तो आप इतना डिस्टेंस मेजर करने के बाद इसको अपना वो रख लें, स्टैंडर्ड रख लें कि ये इंटरवल आपने इतने इतने इंटरवल के आपने टुकड़े करने हैं, यानी कि आपने एक्स से चलना है और एक्स से चलने के बाद आगे मूव करना, यानी कि x इज इक्वल टू a टू b, a से आपने चलना है और b तक पहुंचना है, लेकिन आपने इतने डिस्टेंस को छोटे छोटे पैचेस में इक्वल इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे यहाँ तक आप कहें ये इतना डिस्टेंस आपके पास डेल्टा x है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका नाम होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस डेल्टा x, ठीक है। फिर आप मज़ीद डेल्टा एक्स आगे मूव करेंगे तो इस
पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे ए प्लस टू टाइम्स डेल्टा एक्स, क्योंकि आपने दो डेल्टा एक्स के इक्वल इंटरवल्स कवर किए। इसी तरह से इस पॉइंट के ए प्लस थ्री डेल्टा एक्स, और करते कराते आप इक्वल इंटरवल्स अगर आपने किए और करते कराते आप पहुंचेंगे बी के ऊपर। तो आपने ए से बी पे सीधा नहीं जाना, आपने ए से बी तक का जितना भी डिस्टेंस है उसको इक्वल इंटरवल्स में पार्टिशनिंग उसकी, जिसको हम कहते हैं पार्टिशनिंग, आपने सब डिविजन यानी कि इस इंटरवल के सब इंटरवल्स बना लेने हैं या उसकी पार्टिशनिंग कर लेनी है। तो पार्टिशनिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। पार्टिशनिंग को मैं रिप्रेजेंट भी कैपिटल पी से करूँगी, और इसमें इसको इस तरह से कहा जाएगा कि इसका इनिशिएट हम कर रहे हैं, स्टार्ट हम इसको कर रहे हैं एक्स नॉट से। मैं आपको बताती हूँ मैंने एक्स नॉट क्यों रखा है। एक्स नॉट जिसको यानी कि एक्चुअली में एक्स नॉट नहीं, ये ए है, ए का नया नाम हमने एक्स नॉट रख लिया। फिर अगला जो पॉइंट है जिसको मैंने आपको कहा था ए प्लस डेल्टा एक्स, जो मैंने आपको दिखाया था, उसका नया नाम हम एक्स वन रख लेते हैं। मतलब ये इनिशियल पॉइंट है ना, जस्ट लाइक मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये इनिशियल पॉइंट जो ए है ए को हम एक्स नॉट कह लें, और ये आपका जो बी है इसको एक्स एन कह लें। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे हिस्से को हमने एन इंटरवल्स में इक्वल इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो ये एक्स नॉट से आपने कहाँ तक जाना है, एक्स एन इंटरवल्स। मैंने इसका सब इंटरवल्स मतलब इसके सबस्क्रिप्ट में आपको ये नाम इसलिए रख के दिया है ताकि रीनेम करके ताकि आपको पता चले कि आप इक्वल इंटरवल्स में जा रहे हैं, एक्स वन उसके बाद एक्स टू और करते कराते। मैं इन जनरल अगर इसको लिखूँ, मैं इसको मिटाती हूँ, आप इसको ए बी के लिख के फॉर्म में लिखने के बजाय आप जनरल लिखें कि आपने एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू से लेकर फॉर एग्जांपल एन इसके पार्टीशन कर दिए, यानी कि ए से बी तक का जो रास्ता है आपने उसके इतने टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब एक्चुअली में है क्या, अब एक्चुअली में ये है कि एक्स नॉट का यहाँ पर मतलब है ए और एक्स एन का यहाँ पर मतलब है बी, यानी कि इनिशियल जो पॉइंट है आपका स्टार्टिंग मूविंग पॉइंट वो ए है और एंडिंग पॉइंट आपका बी है। और एक्स नॉट के बाद जो एक्स वन है, नो डाउट एक्स वन जो है वो एक्स नॉट के बाद आते हैं, तो एक्स नॉट लेजर वैल्यू है क्योंकि हम नंबर लाइन पे चल रहे हैं, एक्स वन उससे ग्रेटर है, एक्स टू उससे ग्रेटर है, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चल रहा है, और लास्ट में आपके पास एक्स एन यानी कि बी आता है, यानी कि आप ए से स्टार्ट होते हैं और आप बी की तरफ जाते हैं। उसके बाद आप इसके इन सब इंटरवल्स बना लें। सब इंटरवल्स आप इसके कैसे बनाते हैं, जैसे आपका टोटल इंटरवल जो है वो ए से बी है, ठीक है, आपने ए से बी इंटरवल आपका है, आपने इसके टुकड़े कर दिए, और कितने टुकड़े किए, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे एन, एन कुछ भी हो सकता है, एन स्टैंड्स फॉर एनी नंबर, आपने इनिशियल जो आपका ए था वहाँ से आप चले, जिसको आपने रीनेम करके एक्स नॉट कहा है, एक्स नॉट से चले और पहला इंटरवल एक्स वन पे ख़त्म हुआ। ठीक है, मतलब ये अगर आप इसको x नॉट कहते हैं, ये आपका x1 है, ये आपको x2 है, x3 है, x4 है, एंड सो ऑन, ये आपका xn है। ठीक है, दूसरा इंटरवल आपका क्या है, आप x1 से शुरू हो गए, यानी कि पहला इंटरवल आपका ये है और दूसरा इंटरवल आपका ये है, तीसरा इंटरवल ये है, यानी कि पहले की जो एंड पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, वो अगले का इनिशियल पॉइंट है x2, और करते कराते आप पहुँचे एक्स एन माइनस वन से एक्स एन इंटरवल तक। आपने कितने इंटरवल्स बना लिए, आपका ओवरऑल इंटरवल था एक, ठीक है, ए से बी तक का इंटरवल, उसके आपने सब इंटरवल्स बनाए। सब इंटरवल्स कैसे बनाए, पहले आपने पार्टिशनिंग की, इसकी जो इंटरवल के अंदर जो आपके पास नंबर लाइन पे आपने इसके छोटे छोटे इक्वल इंटरवल से टुकड़े किए। अब ये जितने भी आपने, ये कंफर्म है कि ये आपकी ये जो इंटरवल की लेंथ है, हर इंटरवल की लेंथ यहाँ मैं आपको बता दूँ इक्वल है। फॉर एग्जांपल पहले इंटरवल की लेंथ आप कहते हैं डेल्टा एक्स वन है, दूसरे इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स टू है, और लास्ट वाले इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स एन है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ डेल्टा एक्स आई बराबर है इसको जनरली एक डेल्टा एक्स की, यानी कि सब इंटरवल्स की लेंथ आपस में बराबर है, डेल्टा एक्स वन बराबर है डेल्टा एक्स टू के, डेल्टा एक्स टू लेंथ बराबर है डेल्टा एक्स थ्री लेंथ के, एंड सो ऑन बराबर है डेल्टा एक्स, ये सब इक्वल इंटरवल्स, इक्वल लेंथ के आपने यहाँ पे इंटरवल्स बनाने हैं। एक इंटरवल को, सुपर इंटरवल को आपने सब इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने ये जितने भी इंटरवल्स जो कि इक्वल लेंथ के, मैंने आपको कहा हुआ है कि कोई भी इनमें से एक इंटरवल उठा ले, मैं इसको लिख देती हूँ। पहला इंटरवल है जी एक्स नॉट से एक्स वन, ठीक है, दूसरा है जी एक्स वन से एक्स टू, और इसी तरह से लास्ट में आपके पास चल रहा है एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। ठीक है,
अब इनको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँगी, कोई भी इंटरवल इसमें से मैं उठा लूँ, जैसे मैंने एक इंटरवल उठा लिया जी एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक, ठीक है, यानी कि आर की वेरिएशन क्या है यहाँ पे, आर की वेरिएशन वन टू थ्री से एन तक हो सकती है, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्म है, ऊपर जितने भी मैंने इंटरवल्स लिखे हैं उनकी जनरल फॉर्म मैंने ऐसे उठाई है। अब किसी भी इन, चूंकि इंटरवल्स की लेंथ इक्वल है, इन इंटरवल्स में से किसी एक इंटरवल को अगर मैं लूँ और उसमें से उस इंटरवल के बीच में से मैं कोई एक नंबर सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट सी आर इज एनी नंबर विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, ये आपने कोई भी वैल्यू, अब मैंने क्लोज इंटरवल में से सिलेक्ट किया, मींस ये सी आर जो है ये इस क्लोज इंटरवल की मिड वैल्यू भी हो सकती है और इसकी बाउंड्री वैल्यू भी हो सकती है। अब आर की वेरिएशन तो आपको पता है कि आर की वेरिएशन वन से लेकर एन तक है, यानी कि आप जो पहले इंटरवल में से एक्स नॉट एक्स वन पहला इंटरवल जो आपका है इसमें से अगर कोई सी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो उसको कहेंगे कि ये आपके पास सी वन है। दूसरे इंटरवल में से अगर कोई सी सेलेक्ट करते हैं दैट वुड बी सी टू, और आपके पास लास्ट इंटरवल में से अगर कोई सी सिलेक्ट करते हैं तो दैट वुड बी रिटन एज सी एन, ठीक है। तो जनरल इंटरवल इन सब की जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये वाला इंटरवल, तो इसमें से कोई जनरली आप सी सिलेक्ट करेंगे तो उसको हम सी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो आपका बाउंड्री वैल्यू है उसका उसके सबस्क्रिप्ट के इक्वल है, मतलब उसके सबस्क्रिप्ट से ये सी आर सबस्क्रिप्ट बना है, ठीक है। तो ये सी आर जो है इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब आपने एक एक्सपेंशन बनाना है, एक एक्सप्रेशन मैं यहां लिखने लगी हूं, एक्सप्रेशन है जी एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अब आप इस पर गौर कीजिएगा कि मैं कर क्या रही हूं, एक्स वन माइनस एक्स नॉट साथ में एफ ऑफ सी वन, देखिए एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट इज द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की लेंथ कितनी मैंने कहा था डेल्टा एक्स वन, ठीक है, और किसी भी इंटरवल की अगर आपने लेंथ लेनी हो तो उसके राइट मतलब जो अपर वैल्यू होती है राइट हैंड साइड नॉर्मली राइट साइड पे जो लिमिट बाउंड्री वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, लेफ्ट साइड की बाउंड्री वैल्यू स्मॉल होती है, तो राइट साइड की बाउंड्री वैल्यू में से लेफ्ट साइड की बाउंड्री वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पहले इंटरवल की लेंथ आ जाएगी जिसको हमने डेल्टा एक्स वन कहा हुआ है। इसी तरह से दूसरे इंटरवल में से की लेंथ आपने माइनस करने के लिए उसकी बाउंड्री वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दूसरे इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, और करते कराते आप इसमें सॉरी लास्ट इंटरवल की लेंथ आपने फाइंड करनी हो तो उसकी बाउंड्री वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स एन माइनस वन माइनस वन जो कि डेल्टा एक्स एन आ जाएगी। और यहाँ मैंने बात आपको कही हुई है कि ये सारी लेंथ्स आपस में क्या हैं हमने बराबर रखी हुई, इन सबको हम रीनेम करके डेल्टा एक्स कर देते हैं। ये देखें जी पहले इंटरवल की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन एट सी वन, और C1 क्या है, C1 पहले इंटरवल में से सेलेक्ट किया गया कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, कोई भी नंबर, और वो नंबर आपने उठाया और फंक्शन में पुट कर दिया प्लस। इसी तरह से सेकेंड इंटरवल की लेंथ और मल्टीप्लाई किया इसके साथ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट C2, एट C2 इज एनी नंबर फ्रॉम द सेकेंड इंटरवल, और ये कहाँ तक सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला एन तक चलेगा, एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन लास्ट इंटरवल की लेंथ, और मल्टीप्लाई आपने किया फंक्शन को एट द वैल्यू सी एन पे। ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है दिस एक्सप्रेशन को अगर आप सम अप करें तो दिस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू, इसको सम अप करके मैं ऐसे लिख सकती हूँ आर इज इक्वल्स टू वन एक्स आर माइनस वन एफ सी आर, मतलब इसको मैंने शॉर्टली समीशन के फॉर्म में इस सारे को लिख लिया, और समीशन के फॉर्म में लिख लिया, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आर की वेरिएशन वन से एन तक डेल्टा एक्स आर एफ ऑफ सी आर, ठीक है, मतलब मैंने ये जो लेंथ ऑफ ईच इंटरवल है उसको मैंने डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ साइड पे बताया पहले लेंथ पहले इंटरवल की लेंथ डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू डेल्टा एक्स एन एंड सो, ये सब इक्वल लेंथ्स हैं, बाद में पता चलेगा कि इक्वल ही है। दिस सम ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये सम जो है दिस इज कॉल्ड द रीमन सम, रीमन सम।
जी, तो ये रीमन सम है और दिस इज कॉल्ड द रीमन सम. यानी कि आपने क्या किया, आपके पास इनिशियली एक इंटरवल था, आपने उसके सब इंटरवल्स बनाए इक्वल लेंथ के, और उसके बाद हर इंटरवल में से एक वैल्यू सेलेक्ट की, उस वैल्यू के ऊपर फंक्शन का आंसर निकाला, और फिर हर इंटरवल की लेंथ से करिस्पॉन्डिंगली उसके जो स्पेसिफिक वैल्यू आपने सी सेलेक्ट की थी उस स्पेसिफिक वैल्यू पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड की, और उन दोनों वैल्यूज को वैल्यू ऑफ द फंक्शन को एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट C1 और लेंथ ऑफ द इंटरवल को आपस में मल्टीप्लाई किया, सम किया. दिस सम इज कॉल्ड द रीमन सम. इसको लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस SPF से. P स्टैंड फॉर द सेम पार्टिशनिंग, जो मैंने आपको पार्टिशनिंग बनाई थी ना, आप कैपिटल P से रिप्रेजेंट की थी पार्टिशनिंग, ये वो पार्टिशनिंग है. और किसकी हमने की है, इंटरवल की है, और एट द स्पेसिफिक फंक्शन, जो भी उस वक्त का फंक्शन है वो. अगर इस रीमन सम के आप साथ में लिमिट अप्लाई कर दें, यानी कि लिमिट अप्लाई कर दें एस एन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि देखिए मैंने अभी तो आपको बताया है कि मैंने जितने सब इंटरवल्स बनाए वो एन सब इंटरवल्स बनाए ना. अगर आपका इनिशियल इंटरवल था ए से बी, उसके मैंने टुकड़े किए, सब इंटरवल्स बनाए, वो मैंने बनाए थे एन. अगर ये आप और ज़्यादा छोटे छोटे जो है इंटरवल्स ले लें, और छोटे छोटे मतलब उसकी लेंथ बहुत कम हो, और यानी कि एन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हो, तो अप्रोक्सीमेट आप इन्फिनिट इंटरवल्स ले लें, और फिर लेने के बाद आप उसका रीमन सम फाइंड करें. यानी कि रीमन सम के ऊपर n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिट इंटरवल्स का रीमन सम लें, और फिर जो आंसर निकालेंगे वो आंसर और आपका ओरिजिनल क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था दैट वाज f ऑफ x dx लिमिट फ्रॉम a टू b, अगर आप सिंपल तरीके से इस लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करें, जो आंसर आपका आएगा वही आंसर इस रीमन सम पे लिमिट लगाने से आपका आएगा. ठीक है, यानी कि हमने ये जो सिंपल क्वेश्चन बज़ाहिर आपको सिंपल लग रहा है डेफिनेट इंटीग्रल का, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं करना, हमने इसको रीमन सम के तरीके से सॉल्व करना है. तो हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया रीमन सम कैसे बनता है, और इसमें इंटरवल का क्या कैरेक्टर होता है, इंटरवल के कितने आपने उसके टुकड़े करने और कैसे करने हैं, इसमें सी क्या होता है, और इन लेंथ ऑफ द इंटरवल्स एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें हमने ओवरऑल पढ़ ली हैं. और यहाँ मैं आपको बताऊँगी इन क्वेश्चंस को, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को के ऊपर इसको रीमन सम को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ ही लगेगी. इतना आप इस रीमन सम को थोड़ा सा रिवाइज करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने इस रीमन सम को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसको किस तरह से रीमन सम के थ्रू इस इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया जा सकता है.